वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर से हिंदी की शिक्षिका मिसेस अग्नोत्री। आज की क्लास कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम द्वितीय प्रश्न पत्र से पाठ 4 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है शब्द निर्माण। आइए अब हम देखें शब्द निर्माण क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो शब्दों के साथ जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं। शब्दों के साथ जुड़कर ही इनका महत्व होता है। वाक्य में ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जाते हैं। देखिए शब्द उपसर्ग मार्ग सुमार्ग सु आपका उपसर्ग है। ऐसे शब्दांश जो शब्द से पूर्व जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन और विशेषता उत्पन्न करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आपके उपसर्ग हिंदी में कई प्रकार के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, फारसी के उपसर्ग। उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले अव्यय। आइए अब हम देखें प्रत्यय क्या है। कभी कभी शब्दों के पीछे शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। इससे शब्द का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ले आते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय क्रिया के मूल धातु रूप से जुड़कर संज्ञा या विशेषण की रचना करते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरा है आपका तद्धित प्रत्यय, जो शब्दांश अर्थ प्राय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाए उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आप अपनी बुक की एक्सरसाइज को पाठ को पढ़िए और स्वयं करिए। आपके पाठ 4 से संबंधित कुछ प्रश्न बनाए गए हैं जिनको आप अपने पाठ को पढ़कर और महत्वपूर्ण तथ्यों से प्राप्त कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न है, आप सर्वप्रथम अपनी पुरानी कॉपी में डालिए ऑनलाइन क्लास पाठ 4 शब्द निर्माण। पहला क्वेश्चन है आपका, उपसर्ग किसे कहते हैं। दूसरा है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखो। निम्नलिखित उपसर्गों से शब्द बनाइए। आपके ये 5 उपसर्ग नीचे लिखे हैं जिनके आपको शब्द बनाने हैं, अति आ उप सु मा। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों ने अपने स्कूलों से अपनी बुक्स और कॉपियाँ प्राप्त कर ली हैं, इसलिए आप अपने पाठ को ध्यान से पढ़िए और बुक की एक्सरसाइज को स्वयं फील कीजिए। धन्यवाद।